हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित चौरान एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल राजबीर क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की बुक कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 3, दैट इज यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यूएस की हेजेमनी यानी यूएस का वर्चस्व। पहले चैप्टर में हमने कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ा था और सेकंड चैप्टर में हमने देखा था कैसे कोल्ड वॉर का एंड हुआ यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कोल्ड वॉर के एंड के बाद यूएसए का कोई सीरियस राइवल नहीं बचा और वर्ल्ड में यूएस की हेजेमनी बन गई। वर्ल्ड एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। पहले बाइपोलर वर्ल्ड था कोल्ड वॉर के दौरान, वर्ल्ड में दो पोल थे, यूएसए एंड यूएसएसआर। अब वर्ल्ड यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, यानी वर्ल्ड में सिर्फ एक पोल बचा, दैट वॉज यूएसए। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इस यूनिपोलर वर्ल्ड में जो यूएसए का डोमिनेशन था, यूएसए की जो हेजमनी थी, उसका एक्सटेंट कितना था, कितना दायरा था और वो किस हद तक हेजमनी बनी हुई थी, उसका नेचर कैसा था। चैप्टर शुरू होता है 3 कहानियों के साथ, आयशा, जाबू और एंड्रे की कहानियां। पहले देख लेते हैं आयशा को। आयशा रहती है बगदाद में जो इराक की राजधानी है। वो मेडिकल साइंस में पढ़ाई करना चाहती है, उसका सपना है कि वो एक दिन डॉक्टर बने। पर 2003 में उसके साथ एक हादसा होता है, उसकी कंट्री पे यूएसए ने हमला किया हुआ है, जिसके कारण मिसाइल से बचने के लिए किसी शेल्टर में अपने दोस्तों के साथ छुपी हुई थी और वहीं पर आकर एक मिसाइल हिट हुई जिसमें उसने अपना एक पैर खो दिया। पर अब भी उसकी फाइटिंग स्पिरिट जिंदा है, वो चाहती है डॉक्टर बनना। पर उसके लिए पहले जरूरी है कि उसकी कंट्री में जो विदेशी सेना आई हुई है, जो आर्मी आई हुई है यूएसए की, वो आर्मी वहां से पहले जाए, बाकी चीजें वैसी रिस्टोर हो, तब जाके वो अपनी पढ़ाई कर पाए और अपना डॉक्टरी का सपना पूरा कर पाए। नेक्स्ट कहानी है जाबू की। जाबू एक आर्टिस्ट है जो साउथ अफ्रीका के शहर डरबन में रहता है। वो एक बहुत अच्छा पेंटर है और चाहता है कि आर्टिस्ट स्कूल ज्वाइन करे और अपने पेंटिंग को निखारे, और साथ ही साथ वो ये भी चाहता है कि जो पेंटिंग उसकी हॉबी है उसको वो अपना प्रोफेशन भी बनाए। बट उसके पिताजी चाहते हैं कि वो MBA करे और उनका जो फैमिली बिजनेस है उसको ग्रो करे। तीसरी कहानी पे आते हैं। तीसरी कहानी है हमारे एंड्रे की कहानी। एंड्रे ऑस्ट्रेलिया में रहता है और उसको जीन्स पहनना बहुत पसंद है, पर उसकी माँ चाहती है कि वो जीन्स ना पहने, क्योंकि उसकी माँ के हिसाब से जीन्स एक रेस्पेक्टेबल अटायर नहीं है, खासकर चर्च जाने के लिए। बट वो कहता है कि जीन्स पहनना उसको अच्छा लगता है, बिकॉज जीन्स आर कूल एंड ही फील्स कॉन्फिडेंट इन वियरिंग जीन्स, इट गिव्स ए सेंस ऑफ फ्रीडम टू हिम। अब ये जो तीनों छोटी छोटी एनेक्डोट्स हैं, इनमें एक चीज कॉमन है। एक चीज कॉमन ये है कि इन तीनों की लाइफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक तरह से यूएस की हेजेमनी से इफेक्टेड है। ये कैसे इफेक्टिव है यूएस की हेजेमनी से, ये हम आगे चैप्टर में देखेंगे। अब मैं आपको हेजेमनी के बारे में बता देता हूँ। हेजेमनी है क्या, ये टर्म बार बार आया है हेजेमनी। हेजेमनी का मतलब होता है वर्चस्व, यानी कि डोमिनेंस, या फिर हम कह सकते हैं एक दबदबा। और जो ये डोमिनेंस है, जो हेजेमनी है, ये डर के कारण भी हो सकती है और अट्रैक्शन के कारण भी हो सकती है। इस हेजेमनी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है हमारी एनसीईआरटी में, वो एग्जाम्पल है टर्म अमेरिका से रिलेटेड। जो टर्म है अमेरिका, वो एक्चुअल में यूज होता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों कंटिनेंट्स के लिए, यानी इन दोनों कंटिनेंट्स को मिला के हम बात करते हैं तो बात करते हैं अमेरिका की। बट जनरल टर्म्स में आजकल इस अमेरिका शब्द का इस्तेमाल हो गया है यूएसए के लिए, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि पूरे अमेरिका का एक कंट्री है, हम उसी के लिए अमेरिका वर्ड यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कनाडा भी तो अमेरिका का पार्ट है, मेक्सिको भी अमेरिका का पार्ट है, अर्जेंटीना भी अमेरिका का पार्ट है, ब्राजील, पेरू, चिली, ये सब अमेरिका का पार्ट है। बट हम अमेरिका वर्ड यूज कर लेते हैं जनरल टर्म्स में सिर्फ यूएसए के लिए, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए, जो कि सिर्फ एक कंट्री है पूरे अमेरिका में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यूएसए की एक हेजेमनी बनी हुई है, जिसके कारण पूरा वर्ल्ड अमेरिका टर्म सिर्फ यूएसए के लिए यूज कर लेता है। तो अब हम कुछ इवेंट्स देख लेते हैं कि कैसे यूएसए की हेजेमनी बनी वर्ल्ड में। आवर फर्स्ट सबहेडिंग इज बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत। हम जानते हैं कि यूएस हेजेमनी की जो शुरुआत है वो मानी जाती है 1991 से, आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। बट यहाँ पे दो चीजें हो रहा है जो हमें जाननी चाहिए। पहली ये कि जो यूएसए की हेजेमनी है वो पूरी की पूरी 1991 के बाद से शुरू नहीं हुई, बल्कि वो शुरू हो गई थी एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, यानी 1945 से, जब अमेरिका ने जापान के ऊपर एटॉमिक बम्स का इस्तेमाल किया और वर्ल्ड को हिला के रख दिया। एक तरह से तभी हम मान सकते हैं कि यूएसए की हेजेमनी बन गई थी। हालांकि कोल्ड वॉर में यूएसएसआर और यूएसए आपस में टक्कर में थे, बट यूएसए की एक हेजेमनी तब से डेवलप होनी शुरू हो गई थी जब से उसने जापान के ऊपर एटॉमिक बम्स का इस्तेमाल किया था। दूसरी बात जानने योग्य यह है कि यूएसए ने जो अपनी हेजेमनी का बिहेवियर है वो 1991 से ही शुरू नहीं कर दिया था। जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 में, तब से ही यूएसए ने अपनी डोमिनेंस यानी हेजेमनी दिखानी शुरू नहीं की थी, बल्कि ये डोमिनेंस और हेजेमनी का एहसास हमको आगे आने वाले समय में हुआ।
इट बिकेम क्लियर मच लेटर दैट द वर्ल्ड वॉज इन फैक्ट लिविंग इन ए पीरियड ऑफ हेजेमनी। ये बाद में हमें पता चला था कि वर्ल्ड एक हेजेमनी के पीरियड में रह रहा है जिसमें यूएसए की हेजेमनी बनी हुई है। अब इस यूएस हेजेमनी के डेवलप होने में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उसमें पहला इवेंट है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये इवेंट चलाया गया था यूएनओ के द्वारा इराक के खिलाफ। पहले हम इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये जो इलाका दिखाया है मैप में, ये इलाका है मिडल ईस्ट का इलाका। इसमें ये ईरान है, ये इराक है जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ये छोटा सा एक कंट्री है कुवैत, और ये है सऊदी अरेबिया। ये जो आपको वाटर बॉडी दिखाई दे रही है, ये वाटर बॉडी है पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ ये है अपना रेड सी जो अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। और ये जो जलसंधि है, ये जलसंधि है हारमुज जलसंधि, हारमुज जलसंधि जो ओमान को ईरान से अलग करती है, और कह सकते हैं कि पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ती है हारमुज जलसंधि। अब हम आगे देखें तो इराक और ईरान के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था 1980 से लेके 1988 तक, लगभग 8 साल। ये 8 साल इनके बीच डिस्प्यूट चला। इसमें ईरान को मदद की थी यूएसएसआर ने, यूएसएसआर ने हेल्प की थी ईरान की। ये एक बॉर्डर डिस्प्यूट था इनके बीच में, और बाकी जो नॉर्मल पड़ोसी देशों के बीच में भी कुछ कुछ डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, इसी तरीके से इनके बीच डिस्प्यूट था। और इराक ने ईरान के साथ लड़ाई की थी लगभग 8 साल, 1980 से 88 तक यूएसएसआर था ईरान के साथ। इसलिए यूएसए ने इराक की हेल्प की थी इस वॉर में, इस वॉर में यूएसए ने इराक की हेल्प की थी, और इस इराक का काफी सारा पैसा इस वॉर में लगा था, जिसके कारण इराक ने कुवैत से लगभग $14 बिलियन, कुवैत से लगभग $14 बिलियन उधार लिया था। और जब ये वॉर खत्म हुआ तो कुवैत ने इराक से पैसा मांगा। अब जब ये पैसा वापस नहीं दे पाया इराक कुवैत को, तब इराक ने कुवैत के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कुछ। पहला इल्जाम उसने ये लगाया कि जो कुवैत है वो जो ऑयल ड्रिल करता है, वो ऑयल इराक के एरिया से ड्रिल कर रहा है। वो उसने आरोप लगाया कि कुवैत जो है वो स्लैंड ड्रिलिंग करता है। मान लो ये कुवैत है, ये इराक है, तो कुवैत अपने तेल के कुएं यहाँ खोदता है और इनकी जो ड्रिलिंग है वो स्लैंट ड्रिलिंग होती है, ऐसे टेढ़ी ड्रिलिंग करता है वो, और यहाँ का जो ऑयल है वो ऑयल कुवैत निकाल रहा है। तो ये ब्लेम इराक ने कुवैत के ऊपर लगाया और कुवैत को बोला कि आप हमें हर जाना दो, ये $14 बिलियन तो आप भूल जाए, बल्कि इसके बदले आपको हमें कुछ पैसा देना होगा। दूसरा इल्जाम ये लगाया कि जो कुवैत है वो ओवर प्रोडक्शन कर रहा है, पेट्रोलियम का ओवर प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब जरूरत से ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहा है पेट्रोलियम, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो ऑयल प्राइसेस है मार्केट में वो ऑयल प्राइसेस कम जा रहे हैं। कोई भी चीज अगर एक्सेस में मार्केट में आ जाती है तो उसके प्राइसेस अपने आप डाउन हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि किसान अगर ज्यादा प्याज उगा दें, अगर ज्यादा प्याज और ज्यादा टमाटर उगा दें तो प्याज और टमाटर के दाम बिल्कुल कम आ जाते हैं। इसी प्रकार से जो कुवैत इतना ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहा है ऑयल और इतना ज्यादा बेच रहा है कि वर्ल्ड में ऑयल के दाम गिर रहे हैं, जिसके कारण इराक को नुकसान हो रहा है। इराक ने वैसे ही एक लड़ाई लड़ी है, उसको अपनी इकोनॉमी को वापस बूस्ट करना है, बट ये जो ऑयल प्राइस जो कम आ रहे हैं इसके कारण इराक को नुकसान हो रहा है। तो इराक ने मेनली ये दो अक्यूजेशन लगाए कुवैत के ऊपर और कुवैत को हर्जाना भरने के लिए कहा। कुवैत ने कुछ हर्जाना भरा बट कुवैत ने उसके बाद हर्जाना भरना बंद कर दिया, तो इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक कर दिया। 1990 में इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक किया। अब जो ये कुवैत है ये भी काफी सारा ऑयल एक्सपोर्ट करता था यूएसए को, और यूएसए को तो फायदा हो ही रहा था अगर वर्ल्ड में ऑयल के प्राइस कम आ रहे हैं, क्योंकि यूएसए को भी सस्ता ऑयल मिल रहा है। सेकंड चीज ये है कि जो कुवैत की पॉपुलेशन है वो भाग के सऊदी अरेबिया में आने शुरू होगी, यहाँ पे आके उन्होंने शरण लेनी शुरू कर दी, इसके कारण सऊदी अरेबिया के ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो गया। अब सऊदी अरेबिया भी इस पर्शियन गल्फ से टच होता है, तो सऊदी अरेबिया भी यहीं से तेल निकालता है। सऊदी अरेबिया को भी दिक्कत आने लगी जब इतनी सारी पॉपुलेशन उनकी इंक्रीज हो गई, कुवैत का जो भार है वो उनके ऊपर आने लग गया, तो सऊदी अरेबिया ने भी यूएसए को प्रेशराइज किया कि वो इस इराक को मना करे कुवैत के ऊपर अटैक करने के लिए, बट इराक नहीं माना और इराक ने अपनी फौज कुवैत में भेज दी। अब इसके कारण क्या हुआ, यूएसए नाराज हो गया और यूएसए ने इराक को सबक सिखाने के लिए यूएन से सैंक्शन ले लिया कि इराक के ऊपर अटैक किया जाए और इराक जो कुवैत के ऊपर हमला कर रहा है, कुवैत को इराक से बचाया जाए। After a series of diplomatic attempts failed at convincing Iraq to quit his aggression, aggression का मतलब attack, एक तरह से attack ही होता है, the United Nations mandated the liberation of Kuwait by force.
यूनाइटेड नेशन ने काफी सारे डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स किए, काफी सारे बातचीत की इराक से, बट इराक नहीं माना, ये सारे अटेम्प्ट्स फेल हो गए। इसलिए यूएन ने फैसला किया कि अब हम फोर्स इस्तेमाल करेंगे कुवैत को लिबरेट कराने के लिए। फॉर द यूएन दिस वॉज ए ड्रामेटिक डिसीजन आफ्टर ईयर्स ऑफ डेडलॉक ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। अब जो कोल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर के दौरान यूएन ने ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया था आज तक। क्यों नहीं उठाया था? क्योंकि यूएन कोई किसी भी कंट्री पर अटैक करता है उसके लिए जो पांच कंट्रीज है जिनके पास वीटो पावर्स है, पांचों की मंजूरी चाहिए। अब तक ऐसा कुछ भी करता था यूएन तो यूएसएसआर अपना जो वीटो पावर है उसका इस्तेमाल कर लेता था और यूएन ऐसा कुछ नहीं कर पाता था। बट इस केस में जो यूएसएसआर है, यानी कि जो रशिया है फिलहाल, उस रशिया ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया। वीटो पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अभी आपने पीछे देखा कि पहले एक लड़ाई हुई है ईरान और इराक के बीच में, इस लड़ाई में ईरान हारा है, ईरान को सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर। अब जब इस इराक पे इसी का पार्टनर यूएसए हमला कर रहा है तो यूएसएसआर क्यों वीटो पावर इस्तेमाल करेगा? अपने यूएसएसआर ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया। अब इस्तेमाल नहीं किया तो यूएन ने पहली बार अपना एक्शन लिया और इराक में अपने फोर्सेस भेजी। यूएस का जो प्रेसिडेंट थे उस समय जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश उस समय यूएसए के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने जो एक वर्ल्ड ऑर्डर नया तैयार हुआ इसको बोला न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर है, इसका बिगिनिंग शुरू हो चुकी है। नया वर्ल्ड ऑर्डर किस तरह का है कि भाई इस वर्ल्ड ऑर्डर में यूएसए के चलेगी और यूएन के थ्रू चलने वाली है। ए मासिव कोलिशन फोर्स ऑफ 6.6 लाख ट्रूप्स, लगभग 6.5 लाख ट्रूप्स आए अलग अलग 34 कंट्रीज से, सब कंट्रीज ने अपने ट्रूप्स का कंट्रीब्यूशन किया और यूएन में अपने सेना भेजी। यूएन ने इराक के ऊपर अटैक किया और इराक इस वॉर को बोलते हैं फर्स्ट गल्फ वॉर, और इस वॉर में इराक की डिफीट हुई। लेकिन यहाँ पे बात ध्यान देने वाली यह है कि जो यूएन का ऑपरेशन था जिसको हम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म बोल रहे हैं, ये ओवरवेलमिंग अमेरिकन एक ऑपरेशन था। क्यों इसको अमेरिकन ऑपरेशन बोला जाता है? हालांकि ये ऑपरेशन कर रहा है यूएन, बट वर्ल्ड को ये पता चल चुका था कि ये यूएन नहीं कर रहा है बल्कि ये यूएसए कर रहा है। कैसे? क्योंकि इस ऑपरेशन को जो लीड कर रहा था वो अमेरिकन जनरल नॉर्मल स्कोजकोफ थे, जो इस यूएन के जो कोलिशन है इसको लीड कर रहे थे। 34 कंट्रीज का जो कोलिशन बना हुआ था, इस कोलिशन को जो लीड कर रहा था वो सेना नायक था यूएसए का। नियरली 75% ऑफ कोलिशन फोर्सेज वर फ्रॉम यूएस, और 75% जो आर्मी थी उस यूएन की वो यूएसए से आई थी। बाकी 34 कंट्रीज यानी बाकी जो 33 कंट्री थे उनसे 25% आर्मी आई थी और यूएसए से आई थी 75%। यानी आर्मी का जो बड़ा हिस्सा है यूएन का वो भी यूएसए का है, और जो लीड कर रहा है इस पूरे को वो भी एक यूएसए का जनरल है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन एक अमेरिकन ऑपरेशन था, बस नाम एक यूएन ऑपरेशन चल रहा था। इराक की फोर्सेज वर क्विकली डिफीटेड एंड फोर्स टू लिबरेट फ्रॉम कुवैत, कुवैत से इराक की फोर्सेज को निकाल दिया गया। बट यहाँ पे एक चीज वर्ल्ड को साफ दिखाई दी, वो चीज थी टेक्नोलॉजिकल गैप। वर्ल्ड को दिख गया कि बाकी वर्ल्ड के पास और अमेरिका के पास जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत बड़ा गैप है। बाकी वर्ल्ड जो अपनी आर्मी पे इतरा रहे हैं या अपनी आर्मी के बारे में प्राउड महसूस कर रहे हैं, उनको लगने लग गया कि अमेरिका की आर्मी और अपने अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है उसके सामने हमारी टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इस फर्स्ट गल्फ वॉर में, गल्फ वॉर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये पर्शियन गल्फ का वॉर है, जो हमने देखा ना पर्शियन गल्फ का वॉर है, इसलिए इसको फर्स्ट गल्फ वॉर बोल देते हैं। इस गल्फ वॉर में यूएस की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो बाकी स्टेट्स यानी बाकी कंट्रीज है उनसे बिल्कुल हायर स्टेज पे है। ए हाईली पब्लिसाइज यूज ऑफ सो कॉल्ड स्मार्ट बॉम्ब्स का इस्तेमाल हुआ, कंप्यूटर वॉर हुआ। अमेरिकन जो आर्मी है वो कंप्यूटर पे बैठे बैठे लॉन्च कर रही थी, कंप्यूटर पे ट्रैक कर रही थी दूसरी आर्मी को, और इस तरीके से कंप्यूटराइज्ड वॉर कह सकते हैं इसको। पूरा टेलीविजन कवरेज दिया गया और इस तरीके से इसको एक वीडियो गेम वॉर भी कह सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में जितने भी व्यूवर्स थे उसको लाइव देख पा रहे थे और बाकी उसके फुटेजेस देख पा रहे थे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था वर्ल्ड में कि फुटेजेस डेली की डेली टीवी पे दिखाई जा रही थी। तो एक तरह से लोगों को ऐसा लग रहा था कि वीडियो गेम चल रहा है, जैसे हम पबजी खेलते हैं या कुछ भी खेलते हैं तो वीडियो गेम चलता है, देखते हैं, एंजॉय करते हैं। इस तरह के वर्ल्ड उसको एंजॉय कर रहा था या देख भी रहा था लाइव। तो इसको हम वीडियो वॉर भी कह सकते हैं, इसको हम स्मार्ट बॉम्ब का वॉर भी कह सकते हैं, इसको हम कंप्यूटर वॉर भी कह सकते हैं। बेसिकली इस वॉर में, फर्स्ट गल्फ वॉर में, एक टेक्नोलॉजिकल गैप जो यूएस की मिलिट्री और बाकी कंट्रीज की मिलिट्री में है, वो टेक्नोलॉजिकल गैप लोगों को साफ साफ दिखाई दे गया। इनक्रेडिबली यूएस में एक्चुअली हैव मेड ए प्रॉफिट, और इसमें यूएसए ने एक तरह से प्रॉफिट भी कमा लिया। यूएसए ने ये लड़ाई भी लड़ी है और यूएसए ने प्रॉफिट भी कमा लिया, क्योंकि यूएन को फंड दिया गया बहुत ज्यादा, यूएसए उस फंड को भी हैंडल कर रहा था।
बाकी सब कंट्रीज फंड भी दे रही हैं, अपनी मिलिट्री भी भेज रही हैं, तो ये जो फंड है वो इतना बच भी गया यूएसए के पास कि जो जर्मनी, जापान, सऊदी अरबिया इन्होंने जो स्पेंड किया था इस वॉर के ऊपर, उसमें से यूएसए के पास कुछ पैसा बच भी गया। तो यानी वॉर भी लड़ लिया, अपना उल्लू भी सीधा कर लिया और पैसे भी बचा लिए। तो इस तरीके से यूएसए के लिए ये एक पूरी विन विन सिचुएशन थी और यूएसए की एक हेजमनी डेवलप हुई वर्ल्ड के अंदर। अभी इस पिक्चर के थ्रू हम देख सकते हैं कि ये कैसे एक कंप्यूटराइज्ड वॉर था। ये जो सीन दिखाया गया है, ये एक हाईवे है कुवैत और बसरा के बीच में। कुवैत और बसरा दो सिटी है, उनके बीच में एक हाईवे है। इस हाईवे को हाईवे ऑफ डेथ का नाम दिया गया। इस हाईवे के थ्रू जो इराकी फोर्सेज हैं वो वापस रिट्रीट कर रही थी, यानी कि वॉर के बाद वापस अपने कंट्री जा रही थी शांति से। अब यूएसए ने कंप्यूटर पे आपने देख लिया है, सैटेलाइट्स के थ्रू देख लिया कि ये फोर्सेज यहाँ पहुंच गई हैं, ऐसे इलाके में पहुंच गई हैं, तो इन फोर्सेज के ऊपर हमला कर दिया गया मिसाइल्स से और इनमें सारे के सारे जो सैनिक है वो सब मारे गए। इसमें कॉम्बेटेंट स्टाफ भी था और नॉन कॉम्बेटेंट स्टाफ भी था, मतलब वो लोग भी थे जो लॉजिस्टिक सप्लाई करते थे या फिर और मेडिकल एड वाले लोग भी थे। तो इसमें सिर्फ वो सोल्जर्स नहीं थे जो कि सिर्फ लड़ रहे थे, इसमें वो सोल्जर्स भी थे जो लड़ाई नहीं कर रहे थे बल्कि सपोर्ट कर रहे थे, उन सबको इसमें मार दिया गया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यूएसए ने एक बहुत ही इनह्यूमन वॉर खेला और इसको एक वॉर क्राइम भी बोला गया वर्ल्ड में। अब 1992 पे आ जाते हैं। 1992 में यूएसए में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए। वहां पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन हर 4 साल में होते हैं, इंडिया में जैसे 5 साल में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, यूएसए में वहां के राष्ट्रपति के चुनाव हर 4 साल में होते हैं। 1992 में वहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए। अब जो हमने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म देखा, ये जब ऑपरेशन चलाया गया था तब यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे वो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये हैं रिपब्लिकन पार्टी के। और अब 1992 का जो कंटेस्ट हुआ इलेक्शन का, उसमें इनके ओपोजिट में खड़े हुए डेमोक्रेटिक पार्टी के विलियम जेफरसन क्लिंटन, जिनको बिल क्लिंटन भी बोला जाता है। अब इन दोनों ने चुनाव लड़ा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश लड़ रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी से और बिल क्लिंटन लड़ रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से। इनके मेन मुद्दे थे कि हम वर्ल्ड में यूएसए के हेजमनी बना रहे हैं, इंटरनेशनल जो वर्ल्ड ऑर्डर है इसमें यूएसए की डोमिनेंस बना रहे हैं। इन्होंने मेन मुद्दे उठाए इस इलेक्शन के लिए कि हम भाई अपनी डेमोक्रेसी के लिए काम करेंगे, अपने कंट्री के जो इंटरनल फंक्शंस हैं इसके लिए काम करेंगे। अल्टीमेटली ये बिल क्लिंटन है ये चुनाव जीत गए, हालांकि इन्होंने कुवैत की लड़ाई जीती थी, फिर भी जनता ने इनको वोट दिया और इनको प्रेसिडेंट बना दिया। अब देख लेते हैं क्लिंटन ईयर्स, क्लिंटन का दौर कैसा था। क्लिंटन ने दोबारा 1996 में, यानी 1992 में वो चुनाव जीते थे, 4 साल बाद 1996 में क्लिंटन फिर से चुनाव जीत गए और वो लगभग 8 साल तक, लगभग 8 साल क्या, लग पूरे के पूरे 8 साल तक वो यूएसए के प्रेसिडेंट रहे। ड्यूरिंग द क्लिंटन ईयर्स यूएस हैड विड्रॉन इनटू इट्स इंटरनल अफेयर्स। अब क्लिंटन ईयर्स जैसा कि इन्होंने प्रॉमिस किया था, उन्होंने जो मेन मुद्दा रखा वो अपना इंटरनल अफेयर्स का रखा, उन्होंने अपने इंटरनल अफेयर्स यानी आंतरिक जो भी मुद्दे हैं उन पे फोकस किया एंड वॉज नॉट फुल्ली एंगेज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ज्यादा अमेरिका को एंगेज नहीं रखा, अपने जो डोमेस्टिक मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं, यूएसए के जो मुद्दे हैं उन पे ज्यादा फोकस रहे बिल क्लिंटन। इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो क्लिंटन गवर्नमेंट टेंडेड टू फोकस ऑन सॉफ्ट इश्यूज लाइक डेमोक्रेसी, क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड ट्रेड। जो फॉरेन पॉलिसी इन्होंने जो बनाई उसमें भी जो उन्होंने सॉफ्ट इश्यूज जो भी थे उन सॉफ्ट इश्यूज पे फोकस किया, लाइक डेमोक्रेसी का प्रमोशन करना, क्लाइमेट चेंज पे बात करना, वर्ल्ड के ट्रेड के ऊपर बात करना, और जो हार्ड पॉलिटिक्स है मिलिट्री पावर की, सिक्योरिटी की, इन सब मुद्दों को उन्होंने दरकिनार किया और बोला कि हम फॉरेन पॉलिसी जो बना रहे हैं वो सॉफ्ट इश्यूज पे बनाएंगे, इस डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे, क्लाइमेट को बचाएंगे, वर्ल्ड ट्रेड को हम ज़्यादा लिबरलाइज करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जो क्लिंटन का दौर था उसमें भी यूएसए ने वर्ल्ड अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिसोड ओकर्ड इन 1999 इन रेस्पॉन्स टू यूगोस्लेवियन एक्शंस अगेंस्ट द प्रीडोमिनेंटली अल्बेनियन पॉपुलेशन इन प्रोविंस ऑफ कोसोवो। एक कंट्री है यूगोस्लाविया यूरोप में, ये यूगोस्लाविया आपको मैप में दिखाई दे रहा है। इस यूगोस्लाविया में एक प्रोविंस है इनकी, यानी एक स्टेट है इनका कोसोवो, मैं आपको कोसोवो दिखा देता हूँ। ये है कोसोवो, ये है यूगोस्लाविया और ये है उसका प्रोविंस कोसोवो। इस कोसोवो में जो अल्बेनियन पॉपुलेशन थी उस पर यूगोस्लाविया ने एक्शन लेना शुरू कर दिया और इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया ड्यू टू इंटरनल डिस्प्यूट्स। अब आगे क्या हुआ, कोसोवो को छुड़ाने के लिए नेटो ने अपने फोर्सेस भेजे, जिस नेटो का मेन लीडर कौन है, यूएसए है। नेटो फोर्सेस लेड बाय यूएस बॉम्बार्डेड टारगेट्स अराउंड यूगोस्लाविया फॉर वेल ओवर 2 months, फोर्सिंग द डाउनफॉल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सोलोबोडन मिलोसेविक एंड स्टेशनिंग ऑफ ए नेटो फोर्स इन कोसोवो। तो ये नेटो फोर्स जो है वो परमानेंटली वहां पे स्टेशन कर दी, वहां पे नेटो फोर्सेज को रख दिया और जो वहां की यूगोस्लाविया की गवर्नमेंट थी
सोलोबोडन मिलोसेविक की, उस गवर्नमेंट को भी उन्होंने गिरा दिया। तो ये सेकेंड इवेंट हम कह सकते हैं जिससे यूएसए की हेजेमनी बनी। तीसरा जो इवेंट है वो है ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ये भी क्लिंटन के दौर में ही हुआ जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर थे। इट वॉज इन रेस्पॉन्स टू द बॉम्बिंग ऑफ यूएस एम्बेसीज इन नैरोबी एंड दर ए सलाम। अब ये दो कंट्री हैं अफ्रीका में, केन्या और तंजानिया। केन्या की राजधानी है नैरोबी और तंजानिया की पहले राजधानी होती थी ये दर ए सलाम। इन दोनों में यूएस की एम्बेसीज थी, यूएस का जो दूतावास था इन दोनों कंट्रीज में था, और इस एम्बेसी पे अलकायदा ने अटैक कर दिया, बम्बिंग कर दी अलकायदा ने। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्लाम बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इन दोनों कंट्रीज में जो यूएसए की एम्बेसीज थी इनमें अटैक कर दिया 1998 में। अब इसके खिलाफ जो क्लिंटन ने थे उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाया। उन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच की शुरुआत कर दी, जिसके कारण जो अलकायदा के टारगेट्स थे सूडान और अफगानिस्तान में, अलकायदा ऑपरेट करता था सूडान से और अफगानिस्तान से। सूडान ये कंट्री है अफ्रीका में, अभी हमने देखा ये केन्या है और ये तंजानिया है, अफ्रीका में ये कंट्री है सूडान, यहाँ से अलकायदा ऑपरेट करता था। और दूसरा ऑपरेशन जो अलकायदा का चलता था वो चलता था अफगानिस्तान से, जो एशिया का कंट्री है। इन दोनों कंट्रीज में, सूडान में और अफगानिस्तान में, यूएस ने अलकायदा को खत्म करने के लिए ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच शुरू कर दिया। यूएस डिड नॉट बॉर्डर अबाउट द यूएन सेंशन, और सबसे बड़ी बात यह थी कि यूएस ने यूएन का यानी यूएनए को सेंशन भी नहीं लिया इस बार। यूएनए को सेंशन पिछले बार मिल गया था किस केस में, इराक वाले केस में, जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था वो यूएन के थ्रू चलाया गया था, बट इस केस में यूएन की जो सेंक्शन है वो भी लेना जरूरी नहीं समझा यूएसए ने। सम ऑफ द टारगेट्स वर सिविलियन फैसिलिटीज, और इसमें जो टारगेट किया गया अलकायदा के, उसमें से कुछ टारगेट्स ऐसे भी थे जिसमें सिविलियन फैसिलिटीज यानी सिविलियंस को भी मारा गया था। तो ये भी एक हम कह सकते हैं कि यूएसए का एक हेजेमनी इस्टेब्लिश करने का एक तरीका था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं वर्ल्ड का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट, 9/11 अटैक। 9/11 क्या है, 9/11 का मतलब है 11 सितंबर। इंडिया में हम डेट लिखते हैं वो इस पैटर्न में लिखते हैं 11/9 यानी 11 सितंबर, बट अमेरिका में जो डेट लिखने का पैटर्न है उसमें पहले मंथ को लिखा जाता है 9/11, 9 यानी सितंबर और 11 मतलब डेट। 9/11 अटैक, 9/11 का क्या हुआ था, 9/11 2001 में अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था, और इस टेररिस्ट अटैक के अगेंस्ट जो अमेरिका ने एक्शन लिया उस एक्शन को अमेरिका ने नाम दिया ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। टेरर के ऊपर ग्लोबल वॉर, पूरा वर्ल्ड की वॉर चलेगी अब टेररिज्म के अगेंस्ट, इसको बोलते हैं ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। ये शुरुआत हुई थी 9/11 के अटैक के बाद। अब देख लेते हैं 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ। 19 हाईजैकर्स थे जो अरब कंट्रीज से बिलोंग करते थे, उन्होंने 4 अमेरिकन कॉमर्शियल पायलट्स को हाईजैक किया, और उन्होंने अमेरिका के कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं इन पे उन एयरक्राफ्ट से अटैक किया। एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, इसके 2 टावर्स थे, नॉर्थ टावर एंड साउथ टावर। इन दोनों टावर्स पे एक एक प्लेन से उन्होंने हमला किया और ये दोनों टावर गिरा दिए। तीसरा जो एयरक्राफ्ट था वो गया अमेरिका की पेंटागन बिल्डिंग में, ये वर्जीनिया में थी, और यहाँ पे था यूएस का डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर, यानी कि यूएस का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसका हेडक्वार्टर के ऊपर भी एक तीसरा एयरक्राफ्ट डाला गया। चौथा जो एयरक्राफ्ट था वो कोशिश कर रहा था कि जो यूएस कांग्रेस है यानी यूएस की जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट के ऊपर गिराया जाए। यानी कि यूएस को हम देखते हैं कि 3 मेन चीजें हैं यूएस में, यूएस के पार्लियामेंट यानी यूएस की कांग्रेस, उस पर अटैक किया गया, यूएस के डिफेंस यानी डिफेंस के हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया, और तीसरा है यूएस का ट्रेड यानी यूएस का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उस पर अटैक किया गया। एक तरह से यूएस की जो आइडियोलॉजी है, कैपिटलिज्म पे अटैक कर दिया गया, डेमोक्रेसी पे भी अटैक कर दिया गया, और उनके डिफेंस पे भी अटैक कर दिया गया। ये 3 तरह से अटैक किया गया जिसमें 3,000 लोग मारे गए, और इस अटैक को बोला जाता है 9/11 का अटैक। ये 2001 में हुआ था। अब इसका रिस्पॉन्स में यूएस ने क्या किया, अब तक क्लिंटन जो है वो बदल चुके थे। क्लिंटन किससे थे, क्लिंटन एक डेमोक्रेट थे, बट अब जो प्रेसिडेंट आए थे वो रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट आ गए थे। ये थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश हैं, ये जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश के बेटे हैं। जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश हमने देखा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म वाले, ये जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश हैं और ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश हैं, यानी एच डब्ल्यू बुश सीनियर है, ठीक है, और डब्ल्यू बुश उनके बेटे हैं।
ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश अभी प्रेसिडेंट बन चुके हैं और इनकी जो पॉलिसीज हैं वो भी रिपब्लिकन पार्टी वाली पॉलिसीज हैं, यानी कि ये वर्ल्ड में इंटरेस्ट लेंगे, वर्ल्ड के साथ वॉर करने में इंटरेस्ट लेंगे। जो हमने डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर देखे थे वो क्या करते हैं, वो अपनी पॉलिसीज बनाते हैं इंटरनल अफेयर्स के ऊपर फोकस्ड, और ये लोग बनाते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर फोकस्ड। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश इस समय राष्ट्रपति थे वहां के, जब ये अटैक हुआ तो वहां के राष्ट्रपति को गुस्सा आया और उन्होंने ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम शुरू कर दी, ऑपरेशन इंडोरिंग फ्रीडम। और ये ऑपरेशन इंडोरिंग फ्रीडम किसके अगेंस्ट लॉन्च किया गया, ये अगेंस्ट किया गया दोज सस्पेक्टेड टू बिहाइंड दिस अटैक, जो अटैक हुआ था उसके बिहाइंड जो भी थे, मेनली अलकायदा और तालिबान रेजिम इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में उस समय तालिबान रेजिम चल रही थी और अलकायदा, इन दोनों पे उन्होंने अटैक करना शुरू किया, मेनली अफगानिस्तान पे अटैक करना शुरू कर दिया यूएसए ने। तालिबान रेजिम वॉज इजिली ओवरथ्रोन, जो तालिबान सरकार थी अफगानिस्तान में उसको हटा दिया गया, बट जो तालिबान और अलकायदा के जो रेमिनेंट्स हैं, जो बचे कुचे ऑपरेशन चल रहे हैं वो आज भी चल रहे हैं, कहीं कहीं वो भी अटैक करते रहते हैं। यूएस फोर्सेज ने बहुत सारे अरेस्ट किए, लोगों को पकड़ लेते थे, वो रेलवे स्टेशन पे एयरपोर्ट पे पकड़ पकड़ के उनको गिरफ्तार कर लेते थे, जस्ट किसी पे भी शक होता था उसको पकड़ लेते थे, ठीक है। खासकर मुस्लिम्स को इसका ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। ये देखो बुरी तरह से गिरफ्तारी की गई, पकड़ पकड़ के उनको सीक्रेट प्रिजन्स में रखा जाता था, सीक्रेट प्रिजन्स में रखा जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था, उनसे पूछताछ की जाती थी, अगर उनको लगता था कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई तो उनको फिर लीगल तरीके से पनिशमेंट दी जाती थी, अगर उनको लगता था कि भाई हमने तो बेकसूर को पकड़ लिया है तो उसको छोड़ दिया जाता था। लेकिन लोगों को 5-5, 6-6 साल तक उन्होंने पकड़ के रखा और उनको पीटते थे, उनको प्रताड़ित करते थे, और यूएसए ने एक तरह से इनह्यूमन बिहेवियर अपनाया वर्ल्ड में। सम ऑफ दम वर ब्रॉट टू गुंटानामो बे, ए यूएस नेवल बेस इन क्यूबा। क्यूबा एक कंट्री है, हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देखा था तब भी इसको देखा था। यूएसए के साउथ में एक आइलैंड कंट्री है क्यूबा, क्यूबा में यूएस का एक नेवल बेस है, ठीक है, उस नेवल बेस में भी उसको रखते थे, क्योंकि ये जो नेवल बेस है वो उनका सीक्रेट बेस था और यहाँ पे इंटरनेशनल बॉडीज भी इसको नहीं देख पाती थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यूएस की जो नई फॉरेन पॉलिसी थी वो फॉरेन पॉलिसी किस प्रकार की थी। एक एंडी सिंगर करके एक कार्टूनिस्ट है, उन्होंने एक अच्छा सा कार्टून बनाया, उसमें देखिए कि ये है अमेरिका और ये दूसरा कंट्री, अमेरिका ने इसको बेफालतू में एक घूसा मार दिया। अब ये पूछ रहा है कि मेरे को क्यों मारा, अमेरिका ने बोला यू पोज्ड ए पोटेंशियल थ्रेट, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम एक पोटेंशियल थ्रेट हो, तुम एक थ्रेट कल को बन सकते हो मेरे लिए। तो ये कोई फॉरेन पॉलिसी है, आपका पड़ोसी कोई है या कोई भी कंट्री जो यूएसए को लगता है कि मेरे लिए खतरा बन सकता है, इतना बोल के उसको मार दिया जाए, हालांकि वो खतरा नहीं है बट वो एक पोटेंशियल है थ्रेट का कि कल को वो खतरा बन सकता है। तो यूएसए ने इस तरह की फॉरेन पॉलिसी बनाई कि जो भी कंट्री उसके अगेंस्ट है या उसके इंटरेस्ट से मेल नहीं खाता है उसको अमेरिका थ्रेट मान लेता था और उसके खिलाफ एक्शन शुरू कर देता था। ये उसकी यूएस की नई फॉरेन पॉलिसी बन गई थी। अब देख लेते हैं इराकी इन्वेजन, ये भी एक अमेरिका की हेजेमनी एस्टेब्लिश करने के लिए अमेरिका का एक कदम है। मार्च 2003 में यूएस लॉन्च ए इन्वेजन ऑफ इराक अंडर कोड नेम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, 2003 में यूएस ने लॉन्च किया। यूएन रिफ्यूज टू गिव इट्स मैंडेट, इसमें भी यूएन ने अपना मैंडेट देने से मना कर दिया, हम इस पे मैंडेट नहीं दे रहे हैं, आप इराक पे हमला नहीं कर सकते, बट यूएसए ने फिर भी इराक पे हमला किया। पर्पज क्या बताया गया, यूएसए ने कहा कि इराक में जो रिजीम है सद्दाम हुसैन की रिजीम, वो प्रोड्यूस कर रही है WMD यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वो ऐसे वेपन्स बना रही है सद्दाम हुसैन की रिजीम जिससे मास डिस्ट्रक्शन होता है, जिससे बहुत सारे लोगों को मारा जा सकता है, ऐसे वेपन वो बना रही है इराक की गवर्नमेंट, इसलिए इस प्रेटेक्स्ट में इराक के ऊपर हमला कर दिया गया। बट असल में वर्ल्ड जानता है कि वो हमला क्यों किया गया, सिंस नो एविडेंस ऑफ WMD हैज बीन अनअर्थ इन इराक, इट इज स्पेकुलेटेड दैट द इन्वेजन वाज मोटिवेटेड बाय अदर ऑब्जेक्टिव्स सच एज कंट्रोलिंग इराकी ऑयल फील्ड्स एंड इंस्टॉलिंग ए रिजीम फ्रेंडली टू यूएस। अब इराक का इन्वेजन हो गया, इराक को बर्बाद कर दिया, सद्दाम हुसैन को भी मार दिया गया, लेकिन अब वर्ल्ड की बॉडीज ने, वेरियस बॉडीज ने इराक में विजिट किया और देखा कि इराक में कोई भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन उनको नहीं मिला। यूएन ने भी ढूंढ के देख लिया, उसको भी नहीं मिला, बाकी कंट्रीज ने भी ढूंढ के देख लिया, नॉट इवन सिंगल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाज फाउंड इन इराक। तब ये पता चला कि अमेरिका का जो मेन मोटिव था वो था इराक के जो ऑयल फील्ड्स हैं उस पर कंट्रोल करना और वहां पे एक ऐसी रिजीम स्थापित करना जो कि यूएस फ्रेंडली हो, ऐसी गवर्नमेंट स्थापित करना जो कि यूएस के साथ दोस्ती रखे। Although the government of Saddam Hussein felt swiftly, the US has not been able to pacify Iraq. Instead, a full-fledged insurgency against US occupation was ignited in Iraq. हालांकि सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट को आराम से गिरा दिया यूएसए ने, बट जो इराक की पॉपुलेशन है उसको यूएसए पेसिफाई नहीं कर पाया, उसको अच्छे से समझा नहीं पाया कि उसका मकसद क्या था।
क्योंकि यो इराक के पॉपुलेशन को समझ में आ गया था कि जो अटैक किया गया वो इस प्रिटेक्स्ट में किया गया कि WMD वहां है, बट वहां पे WMD नहीं मिले। इसलिए जो US ऑक्यूपेशन थे इराक में, US ने जो एरिया कंट्रोल कर रखे थे उनमें US आर्मीज के खिलाफ इराक के जो लोकल ग्रुप्स हैं उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, और इराक में ये जो लड़ाई थी अमेरिका की और इराकी जनता के साथ ये चलती रही। जहां USA ने लगभग 3,000 मिलिट्री पर्सन खोए, वहीं पे इराक में 50,000 सिविलियंस की मौत हुई जब से US ने इन्वेजन शुरू किया था। इट इज नाउ वाइडली रिकॉग्नाइज दैट द US इन्वेजन ऑफ इराक वॉज इन सम क्रिशियल एस्पेक्ट्स बोथ ए मिलिट्री एंड पोलिटिकल फेलियर। तो इसको हम एक तरह से मिलिट्री और पोलिटिकल फेलियर भी कह सकते हैं। मिलिट्री फेलियर क्यों? क्योंकि US के भी लोग इसमें मारे जा रहे हैं। पोलिटिकल फेलियर क्यों? क्योंकि सद्दाम हुसैन को तो उन्होंने मार दिया, बट वहाँ के जो गवर्नमेंट जो उन्होंने नई बनानी चाहिए थी, जो नई रिजिम स्टेब्लिश करनी चाहिए थी, वो रिजिम वो स्टेब्लिश नहीं कर पाया। तो एक पोलिटिकल फेलियर भी हो गया USA का। तो ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी का चैप्टर हम करेंगे पार्ट सेकंड में। तब तक इस वीडियो को आप फिर से देखिए, इस चैप्टर के आप नोट्स बनाइए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल बहुत से बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि चैनल को भी सपोर्ट मिलता है और इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहता है। तो तब तक पढ़ते रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग, एंड थैंक यू।